हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो हर सर्दी में हर गर्मी में खाया जाता है और इसको लॉन्ग टाइम आप एक दो महीना स्टोर करके खा सकते हैं। चाय के साथ, अचार के साथ, एनीथिंग आप जिसके साथ भी आप खा सकते हैं। मज़ेदार, जब भी भूख लगे छोटी मोटी आप खा सकते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता मेथी मठी और या फिर मठरी कह लीजिए। आज मैं वही बनाने वाली हूँ, मैं खास्ता मठी, और ये बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने बहुत ही कोई झंझट नहीं, बहुत इजी तरह से बन जाती है। मैंने ले ली है 3 कप मैदा, ऑलरेडी लेके रखी है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन, नमक डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार, नमक डाल देंगे, हल्का सा दरदरी कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चम्मच के करीब, और धनिया का जो फ्लेवर है वो अलग ही अपना टेस्ट है। धनिया हम डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ 1/2 चम्मच, और छोटी 1/2 चम्मच डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, और छोटी 1/2 चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा, और उसमें डालेंगे 3 चम्मच के करीब डालेंगे हम मेथी। आप चाहे तो ताजी मेथी भी ले सकती हैं 3 चम्मच के करीब। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे पहले, ये अच्छे से मिला लिया। अब हम इसको मैदे को अच्छे से मोइन देना है क्योंकि हमें खास्ता मठी बनाना है। तो इसमें हम डालेंगे करीब 1/2 कप के करीब घी मेल्ट करी हुई, अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमने अच्छे से घी को मिला लिया है। अब हमने रखी है 1 कप पानी, हम पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको थोड़ा सा गीला कर लेते हैं। अब इसको गीला करने के बाद हम इसको अच्छे से 2 हाथों से ऐसे ऐसे करके रब करेंगे। मट्ठी बनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो आटा है वो खास्ता होना चाहिए, अच्छे से मोइन होना चाहिए, तभी आपका मट्ठी अच्छा सा खास्ता बनेगा। तो इसको हल्का सा गीला है और इसको मिला मिला के हम अच्छे से इसको मोइन करेंगे। ये अच्छे से मोइन हो गया है, ये देखिए अभी से ये बंधना ऐसा शुरू हो गया है, इसका मतलब अच्छा सा हमारा मोइन हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, हमारा डो बनके तैयार हो गया है एकदम। हमारा 1 कप पानी, हमारे पास कम से कम 1 चम्मच के करीब पानी बच गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 3 और 4 में हम डिवाइड कर लेंगे। अब इसको छोटी 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 लोई तोड़ेंगे हम। सब इक्वली हम लोई तोड़ेंगे छोटे छोटे। अब इसको हम ऐसे हाथ में ले लेंगे, गोल गोल करेंगे, इसे कोई शेप नहीं देना है, बस इसको ऐसे गोल गोल करके इसको चिपटा कर देंगे। ऐसे ऐसे करके हम सारे मट्ठी को तैयार कर लेंगे। तेल मैंने डाल दिया, तेल हल्की गरम हो गई है, हमें इतने ही हल्की गरम चाहिए, मीडियम गरम, और आंच बिल्कुल ही हमने स्लो रखा है। अभी जो हमने मट्ठी तैयार करके रखी है वो हम डाल देते हैं। ये जैसे हल्के हल्के आंच में हल्के हल्के फ्राई होंगे, जैसे ऊपर ऊपर आएंगे, जैसे सारे ऊपर आ जाएंगे मट्ठी फूल के, फिर हम आंच को तेज कर सकते हैं। ये अपने आप तल के ऊपर आ जाएंगे, ये देखिए कितना अच्छे से ऊपर आ गया है।
अब इस टाइम हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हम तेज कर देंगे। कितने मजे से ऊपर आ गया है, कितने मजेदार। इसका मतलब ये होता है कि आपका मट्ठी सही बनी है। अब हम इसको पलट देते हैं। ये देख के लग ही रहा है कि कितना खास्ता बनी होगी। इसमें हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छे से इसका कलर आना शुरू हो गया है। फ्रेंड, ठंड के मौसम में गर्मा गर्म मसालेदार चाय और ये मट्ठी, होय होय कितना मजा आ जाता है खाने में ना। इसको रख लीजिए 1 से 2 महीना तक और ये अच्छे से टाइट जार हो, और इसको बना के मट्ठी जब भी बनाए तो ज़्यादा बनाए, ये कभी ख़राब नहीं होती है। देखिए गाइस, मेरा ये मट्ठी बनके तैयार हो गया है। कितना बढ़िया कलर आया ना, मज़ेदार, और देख के लग ही रहा है कि ये खास्ता बनेगा। अभी हमें सेकेंड लॉट भी फ्राई करनी है, तो हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे, तेल ठंडा होगा तभी फ्राई करेंगे। और गैस को बंद करके हम इसको निकाल लेते हैं, और कितना मस्त कलर आया है, और देख के लग ही रहा है कि मस्त वाली खास्ता हुई है। अब इसको निकाल लेते हैं। और हाँ, आज जब भी मट्ठी बनाएं तो थोड़ा ज़्यादा बनाएं, क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होता है। अब इसको टाइट जार पे आप रख लीजिए 1 से 2 महीने के लिए। आराम से कभी भी छोटा मोटा जब भूख लगे तो आप इसको निकाल के खा सकते हैं, मज़ेदार। ऐसे ही खा लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा गर्मा गर्म खास्ता मट्ठी बनके तैयार हो गया है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका इससे देख लो कितना अच्छा से इसका लेयर बन के आया है, और बहुत ही मज़ेदार और खास्ता मट्ठी बनके तैयार हो गया है। अब किस बात का अब लेट करना है, अब हमें जल्दी जल्दी गर्मा गर्म चाय बनाएंगे या फिर अचार के साथ खाएंगे इसको गर्मा गर्म। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो आज की रेसिपी होगी मेरी डन। तो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो नीचे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर से मिलते हैं कुछ नए शो, तब तक के लिए बाय बाय।